वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2021 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में और धनतेरस के महत्व के बारे में। इस दिन पूजन का समय क्या होगा और इस दिन सामान खरीदारी के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा, इन सबों के बारे में आइए जानते हैं। दीपावली का त्योहार की शुरुआत धनतेरस से होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी देव जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदारी की परंपरा है और इसके साथ साथ सोने चांदी के वस्त्र आभूषण भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीद ले। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक है, जो कि शीतलता चंद्रमा प्रदान करते हैं और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है और सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो कि चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात्रि लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन के लिए इस दिन मूर्ति की खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर चांदी का सिक्का या बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर महिलाओं के लिए लाल वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री खरीदकर उन्हें उपहार देना शुभ माना जाता है। स्टील के बर्तन और तिजोरी भी आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। ये वह वस्तुएं हैं जिन्हें आप धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं। धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदते हैं। धनतेरस के दिन सोने चांदी आदि धातु की चीज खरीदना लाभकारी माना जाता है। अगर ये चीज शुभ योग में खरीदा जाए तो ये और भी अधिक फलदायी माना जाता है। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। धनतेरस धन त्रयोदशी का व्रत इस बार 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को धनतेरस धन त्रयोदशी का व्रत किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार सुबह 11:33 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:03 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:58 और सूर्यास्त शाम 5:08। इस दिन चंद्रोदय, इस दिन चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 2:59 पे और चंद्रास्त दोपहर 3:34 में। इस दिन योग वैधृति योग होगा शाम 6:09 तक। उसके बाद विश्वकुंभ योग। इस दिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:45 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:20 से दोपहर 3:44 तक। कुबेर पूजा और धन्वंतरी देव के पूजन के लिए और सामान खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 10:46 से दोपहर 1:35 तक, यह लाभ और अमृत शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। उसके बाद फिर दोपहर 3 से लेकर के शाम 4:24 तक, यह शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त है और रात्रि 7:24 से रात्रि 9 तक, यह लाभ नामक चौघड़िया मुहूर्त है। इसी मुहूर्त के अनुसार कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता का पूजन करें और सामान का खरीदारी करें तो लाभकारी होगा। इस दिन पूजन में आप एक उपाय भी कर सकते हैं, जिससे कि घर में अगर धन का अभाव है तो इससे अभाव समाप्त हो सकते हैं। धनतेरस के दिन धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन छोटी सी ही सही चांदी की वस्तु जरूर खरीदे। इस चांदी की वस्तु को घर में पूजा स्थान पर रख दे। दीपावली के दिन इस वस्तु को माता लक्ष्मी को अर्पित करें, पूजन कर ले और दीपावली के अगले दिन इसको चावल के ढेर में डालकर उसे वहीं पर एक वर्ष के लिए छोड़ दे। इससे आपके घर में धन की बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अगर कमी है तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।